हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों, यहाँ मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो एक लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा आजकल जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि आजकल जो टॉयलेट हम बनाते हैं, ये आप देख रहे हैं मेरा ये टॉयलेट का पोर्शन है यहाँ पे। ये टॉयलेट का जो पोर्शन हम बनाते हैं, तो इसमें हम डाउन स्लैब नहीं दे रहे हैं। डाउन स्लैब नहीं दे रहे हैं तो दोस्तों, इसमें बहुत सारा हमारा पाइप लगना होता है हमारे टॉयलेट सीट बैठाने के लिए, या फिर हमारे ट्रैप जो जाली होती है बाथरूम के लिए, उसके लिए पाइप लगना होता है, जो कि हमारे कम से कम 8 से 9 इंची हमारा स्पेस ले लेता है, हमारा जो नॉर्मल ये छत का लेवल है उससे नीचे। तो दोस्तों, हम उसको आजकल मॉडर्न तरीके से बनाते हैं, तो फिर हम उसको पाइप को इस छत से हम हैंग करते हैं, नीचे हैंग करके, और फिर हम उसको सपोर्ट से उस पर सीलिंग से कवर करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम जैसे मैं आपको नीचे दिखाया कि जो गलती से अगर हम पहले से उसमें पाइप नहीं डालते हैं छत में, तो हम बाद में उस स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं, हम अपने छत को जहाँ जहाँ हमारा पोजीशन आता है पाइप का उसको काटते हैं, या फिर हिल्टी चलाएं, या फिर कोर कटिंग मशीन से कटिंग करें, तो उसमें हमारा नुकसान ये होता है कि हमारा सरिया कट जाता है, हमारा स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचता है, और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि बाद में आप जो एक दूसरे से कनेक्टेड सरिया है उसको काट दोगे, और साथ ही हमें बहुत परेशानी भी होती है। हम जैसे बीम में नीचे मैं आपको दिखाया कि बहुत सारे कोर कटिंग हुआ है, क्योंकि यहाँ टॉयलेट का जो ये जहाँ जहाँ ये पॉइंट बन रहा है, यहाँ से फिर पाइप ये आएगा, फिर यहाँ बीम से यहाँ पे पाइप निकलेगा, यहाँ से निकल के फिर ये नीचे अपना ग्राउंड लेवल पे होते हुए यहाँ जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं ये सब ढलाई हो गई है, यहाँ नीचे में आपको मैं दिखाया कि कैसे कोर कटिंग बीम और छत में हुई है। तो यहाँ हम अब इस स्लैब पे ये देख रहे हैं बीम के लिए, हमने जहाँ जहाँ पे यहाँ बीम के लिए हमारा स्लीव आ रहा है, यानी जहाँ हमें पॉइंट निकालना है वहाँ पहले से हम लोग पाइप यहाँ छोड़ के चल रहे हैं। ये हमारा ट्रैप का आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पॉइंट आ रहा है हमें, ताकि उसमें होल नहीं मारना पड़े, छत में कोर कटिंग नहीं करना पड़े, मशीन नहीं चलानी पड़ी, पहले से हम पॉइंट बना के चल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मेरा पॉइंट आ रहा है, ये आप देख सकते हैं ये हमारा ये टॉयलेट का पोर्शन है, यहाँ पे पाइप ये शाफ्ट से निकल के नीचे जाना है, तो यहाँ पे ये बीम में पहले से पाइप लगाया गया है जिसे हम स्लीप भी कहते हैं यहाँ, ताकि हमें आसानी रहे, बाद में हम इसके फेस को खोलेंगे और अपना इसमें से पाइप पास करके छत के नीचे नीचे और उस पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे, फिर यहीं से हम अपना ये पाइप शाफ्ट के सहारे उतार लेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारा ये आ रहा है या वहाँ वहाँ पहले से पॉइंट दिया गया है। अब दोस्तों, ये पाइप जो हम लगाते हैं, यानी पहले से हम छत में यूज करते हैं पाइप, ये स्लीब हम बनाते हैं, चाहे बीम में दे रहे हों या बालकनी में दे रहे हों, तो उसको कैसे लगाना है, कैसे आपको समझना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा एक टॉयलेट है, टॉयलेट का पोर्शन है, यहाँ आपको दिख रहा है पहला ये ट्रैप का है, यानी कि पानी जहाँ पे हमारा वेस्टेज पानी जाएगा, फिर ये हमारा शावर ओवर जो भी वेस्ट पानी होता है नहाने के बाद उसका एक जाली दिया गया है, पीछे वो WC यानी टॉयलेट का सीट जो हम लगाएंगे, टॉयलेट लगाएंगे उसका जो हमारा पी ट्रैप वगैरह लग के ये स्लैब से नीचे जाएगा, और फिर हम उसको सीलिंग करके कवर करेंगे। तो पहले से हमें ये तीनों काटना नहीं पड़े, हम यहाँ पे पाइप लगा के छोड़े हैं। फिर आप देख रहे हैं कि ये जो टॉयलेट का जो मेन पाइप है, यहाँ से इस बीम से कट के फिर ये जाना है बालकनी में, और बालकनी से फिर ये पास होके यहाँ से नीचे ऊपर अपना जितना भी फ्लोर जाना है या नीचे ग्राउंड पे जाना है, यहाँ से पास होगा तो हमें स्ट्रक्चर नहीं काटना पड़ेगा। तो यहाँ इसलिए पहले से ये सारे यहाँ पे अरेंजमेंट करके चला जा रहा है, और ये पाइप के टुकड़े काट काट के डाले जा रहे हैं, बाद में इसे आप निकाल के आपको जो भी पाइप अपना परमानेंट लगाना है वो लगा के आप कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि ये पाइप यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पे ये पाइप जो है ये बालकनी में मान लीजिए आपका वाश बेसिन रखा जाए या कोई भी पानी गिरता है, तो ये जो यहाँ फ्लोर ट्रैप लगाया जाएगा तो उसके लिए यहाँ पे पाइप लगाया जा रहा है। इस पाइप को दोस्तों आपको अपना जो भी बालकनी का एरिया है आप जहाँ भी लगाना चाहते हैं वहाँ पे इसे फिक्स करना होता है। अगर आपका यहाँ सरिया आ रहा है तो आप हल्का सा उसको सरिया को थोड़ा दाएं बाएं घिसका के उस पाइप को फिक्स करेंगे, फिर उसको प्रॉपर आपको तार से बाइंडिंग वायर से उसको बांध देनी चाहिए, ताकि ढलाई के टाइम में दोस्तों इस पर कंक्रीट पड़े या लोग आए जाए तो वो अपने जगह से हिले नहीं। तो दोस्तों, इस तरह तरीके से आपको पूरे जहाँ जहाँ भी आपका पोजीशन आ रहा है टॉयलेट का, आप हर जगह यहाँ पे उसको पहले से पॉइंट बना के चले, ताकि आपके स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो।
दोस्तों यहाँ देख रहे हैं ये टॉयलेट, अभी यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ टॉयलेट ये जो है ये बनाया जा रहा है। तो इस टॉयलेट में आप देख सकते हैं कि पहले से अगर आप स्लीव यानी जो मैं पाइप आपको दिखा रहा था अगर आप नहीं लगाते हैं तो फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ एक होल दिया गया है, यहाँ पे होल मारा गया है एक जाली यहाँ पे लगाने के लिए, दूसरा ये आपको दिख रहा है यहाँ लगेगा, तीसरा यहाँ आपको टॉयलेट का जहाँ भी आपका सेंटर ये बन रहा है आपको यहाँ लगेगा। तो ये तीनों चीज दोस्तों आप बाद में यहाँ कोर कटिंग मशीन से काटते हैं, फिर आपको मेहनत भी काफी है, लेबर वेस्टेज जाता है। साथ ही जो हमारा ये छत है दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं, छत का स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे नुकसान होता है, इसमें हमारा सरिया कट जाता है, कंक्रीट कट जाता है और हमारा छत का जो स्ट्रक्चर है यानी जो हमारा लोहा एक दूसरे से कनेक्टेड है सरिया, उस पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले से अगर स्लीप लगा के चलेंगे तो आपको कोर कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको हिल्टी नहीं चलानी पड़ेगी और आपका स्ट्रक्चर पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।